अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे मैं कहवा बना रही हूँ अपने लिए। विंटर सीजन में ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है। कप में एक चम्मच हम हनी शामिल करेंगे और उसके बाद हम पानी डालेंगे। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चाय। आज ये मेरा दूसरा व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। चाय हमें बहुत स्ट्रॉन्ग पसंद है। चाय हमारी तैयार है। अब मैं चाय लेके जा रही हूँ अपनी बहन और अपने लिए। हम बहुत ही लाइट किस्म का नाश्ता करते हैं। यहाँ पे भाई और मैं टीवी पे क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ शाम का टाइम हो चुका है। मैं और मेरी बहन स्नैक एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बना रही हूँ और मैं डिनर मैं बना रही हूँ दाल फ्राई। मूंग की दाल है, मैंने इसे बॉईल कर दिया है। 8 मिनट तक मैंने इसे बॉईल कर दिया है। दाल में जो सब्जियाँ चाहिए उनको मैं कटिंग कर लूँगी। दाल फ्राई के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम प्याज, उसके साथ 2 मीडियम टमाटर, कुटी हुई लहसुन 1 टेबल स्पून, अदरक 1/2 टीस्पून, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें हम डालेंगे, उसमें हम लहसुन शामिल करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत लाल मिर्च 1 अदरक, लहसुन में हमने प्याज शामिल किए, अच्छे से मिक्स करके सौते कर लेंगे। नमक हंस पे ज़रूर शामिल करेंगे। साबित गरम मसाला 1 टीस्पून। दाल फ्राई में हमने 1 चिकन क्यूब ऐड किया है। अब प्याज में मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्की आंच पे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दाल फ्राई में मैंने ये मसाले ऐड किए हैं। हल्दी 1/2 टीस्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। अब मैं इसमें अदरक शामिल कर रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। मसाले के अंदर हम दाल को शामिल कर देंगे। मसाले के अंदर अच्छी तरह से दाल को हम भून लेंगे। दाल के अंदर हमने ऑयल कम डाला है, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते। दाल में अब हम शामिल करेंगे 1/2 कप पानी। अब इस स्टेज पर हम दाल में शामिल कर देंगे तली हुई प्याज, हरा धनिया हमने शामिल कर दिया, हरी मिर्च शामिल कर दी, पिसा हुआ गरम मसाला हमने ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून। मज़ेदार दाल फ्राई तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको दाल कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दाल को मैंने लेमन के साथ गार्निश किया है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
यहाँ पे मैं हम टीवी का ड्रामा देख रही हूँ हम कहाँ के सच्चे थे। जाते हुए यही कहूँगी ये हम टीवी का बेस्ट ड्रामा है हम कहाँ के सच्चे थे। और उमर अहमद ने बहुत अच्छी तरीके से ये लिखा है। मायरा खान की इसमें एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। Thank you.